हेलो स्टूडेंट्स, हम लोगों ने अपना फिफ्थ चैप्टर स्टार्ट किया था, दैट इज़ फाइबर टू फैब्रिक। ओके, आज हम स्टार्ट करेंगे एनिमल फाइबर्स। कुछ फाइबर्स क्या होते हैं जो हमें नेचुरल फाइबर्स होते हैं, एनिमल फाइबर्स भी क्या है, प्लांट फाइबर्स भी नेचुरल फाइबर्स और एनिमल फाइबर्स भी क्या है आपके नेचुरल फाइबर्स। ओके, तो जो नेचुरल फाइबर्स हमें एनिमल्स से मिलते हैं उनको क्या बोलते हैं, एनिमल फाइबर्स। कुछ पॉपुलर जो होते हैं जैसे वूल, सिल्क, ये तो सब लोगों ने सुने हुए हैं, ठीक है। तो वूल जो है ये मोस्टली हमें कहाँ किससे मिलता है, फ्लीस ऑफ शिप। फ्लीस मतलब जो उसके ऊपर की स्किन होती है, खाल होती है जो, उससे, ठीक है। एंगोरा गॉट, कश्मीरी गॉट, एंगोरा रैबिट, कश्मीरी रैबिट, एल्पैका, लेमा एंड कैमल हेयर से। ओके, तो मतलब कि जो इसकी फ्लेस ऑफ होती है इन एनिमल्स की, उससे हम क्या करते हैं, स्पिन करते हैं वूल को। ओके, वूल जो है वो हमारी क्या है, वर्सेटाइल है, ड्यूरेबल है, इलास्टिक है, मतलब कि हम इसको इजीली अडेप्ट कर सकते हैं। ओके, दूसरा क्या है कि स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है, मतलब कि इसमें जो वूल जो होती है आपको क्या करती है, कल भी मैंने आपको ये चीज़ बताई थी कि वूल जो आपको एक इंसुलेटिंग बैरियर की तरह काम करता है, ठीक है। तो वूल को हम इजीली अडेप्ट कर सकते हैं, इलास्टिसिटी अच्छी होती है इसकी, स्ट्रेंथ अच्छी होती है। ओके, तो जो हमारे पास वूल फाइबर होता है इसमें एयर स्पेस कम होता है, जिसकी वजह से ये एक इंसुलेटिंग बैरियर की तरह काम करती है, जो हमारी बॉडी को गर्मी से और सर्दी से बचाता है, ठीक है। गर्मी से कैसे बचाता है, कल भी बताया था, एक थिन वूल हम यूज़ करते हैं सहारा डेजर्ट में, जहाँ पर ये हमें गर्मी से बचाता है। ओके, नाउ जो वूल है हमारी वो किस लिए यूज़ होती है, शॉल्स, ब्लैंकेट्स, कारपेट्स, कार्डिगन्स। कार्डिगन्स आपकी क्या होती हैं, स्वेटर्स जो होती हैं हाफ स्लीव्स की, हम उनको ही कार्डिगन्स बोलते हैं, स्वेटर्स, ग्लव्स, शॉक्स एट्सेट्रा। ओके, नाउ अब हमारा जो सिल्क है, सिल्क हमें कहाँ से मिलता है, कोकून्स ऑफ सिल्क फॉर्म से, ठीक है। ये भी हमारे क्या होता है, सॉफ्ट होता है, इलास्टिक होता है, डेलिकेट होता है। डेलिकेट मतलब जो बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट होता है, ठीक है। एंड हैव हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ, मतलब कि डेलिकेट का मतलब क्या होता है, जो नाजुक होता है, ठीक है, मतलब कि जिसको बहुत ही केयरफुली हमें हैंडल करना होता है। ओके, हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ, जिसकी स्ट्रेंथ भी क्या होती है, ज़्यादा होती है। सिल्क की मजबूती जो होती है, स्ट्रेंथ जो होती है वो ज़्यादा होती है, ठीक है। सिल्क इज़ कंसिडर्ड एज अ क्वीन ऑफ फाइबर्स, ठीक है। हमारा गोल्डन फाइबर क्या था, उधर हमने पीछे पढ़ा था, जूट था। सिल्क हमारा क्या है, क्वीन ऑफ फाइबर्स है। इसको हम क्यों यूज़ करते हैं, ड्रेस मटेरियल्स के लिए, साड़ी, स्कार्फ्स, ग्लव्स को यूज़ करने के लिए। ये भी हमें क्या है, विंटर्स में गर्म रखता है और समर्स में ठंडा रखता है, ठीक है। अब जो हमारे पास सिल्क फॉर्म, रियरिंग ऑफ सिल्क फॉर्म फॉर द प्रोडक्शन ऑफ रॉ सिल्क इज कॉल्ड द सेरीकल्चर, कि जो हम रॉ सिल्क हमें निकालना होता है, प्रोड्यूस करना होता है, उसके लिए हम क्या करते हैं, जो सिल्क फॉर्म है, एक कीड़ा होता है, उसका हम पालन पोषण करते हैं, उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, सेरीकल्चर बोलते हैं। ओके, अब हमारे पास जो ये सिल्क फॉर्म सिल्क है, इसकी स्टार्टिंग कहाँ से हुई थी, चाइना से हुई थी। हम लोगों ने पहले भी पढ़ा है, चाइना में कोई क्वीन होती थी, ठीक है। वो क्वीन जो थी किसी पेड़ के नीचे बैठ के चाय पी रही थी, उसकी चाय में वो सिल्क फॉर्म गिरा था, ठीक है। यहाँ से हमारा हिस्ट्री स्टार्ट हुई थी सिल्क की। जब वो उसकी चाय में गिरा तो उससे क्या हुआ, एक थिन स्ट्रैंड ऑफ फाइबर्स बन गई थी, जहाँ से हमारा सिल्क डेवलप हुआ था, जहाँ से हमें पता लगा था कि हमारा सिल्क फॉर्म से सिल्क फैब्रिक बन सकता है। ओके, अब यहाँ पे आपको दिखा रहा है कोकून्स एंड सिल्क दिखा रखा है, सेपरेशन ऑफ सिल्क या फ्रॉम द कोकून्स ऑफ सिल्क। ओके, नेक्स्ट इज सिंथेटिक फाइबर्स। सिंथेटिक फाइबर्स हमारे किससे बनाते हैं, हम केमिकल्स से बनाते हैं, ठीक है। ये क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग, तो स्ट्रॉन्गर होते हैं और क्या होते हैं, सस्ते होते हैं, चीप होते हैं हमारे जो नेचुरल फाइबर्स होते हैं। नेचुरल फाइबर्स को बनाना क्या होता है, नेचुरल फाइबर से फैब्रिक बनाना कॉस्टली पड़ता है। ओके, ये क्या होते हैं, ड्यूरेबल होते हैं और डू नॉट रिंकल ईजिली, ना तो इनमें ईजिली रिंकल आते हैं। जैसे आपने देखा होगा रेयोन का क्लोथ हम लोग यूज़ करते हैं, ठीक है, वो हमारे क्या है, एक तरह से हमारा सिल्क की तरह ही दिखता है, शाइनी होता है थोड़ा सा, ठीक है।
लेकिन जो सिंथेटिक फाइबर्स होते हैं ना तो ये मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करते हैं, मतलब कि जो स्वेटिंग होती है ना उसको एब्जॉर्ब करते हैं। दूसरा क्या है, फायर आग जल्दी पकड़ लेते हैं हमारे सिंथेटिक फाइबर्स। ओके, इसके एग्जांपल्स क्या है हमारे पास, नाइलोन पॉलिएस्टर और रेयन आर्टिफिशियल सिल्क। ठीक है, अब जो सिंथेटिक फाइबर्स होते हैं इनको हम बहुत सारे मटेरियल्स बनाने के लिए यूज़ करते हैं, जैसे नाइलोन को हम किस में यूज़ करते हैं, रोप्स में फॉर रॉक क्लाइंबिंग, मेकिंग पैराशूट्स एंड द फिशिंग नेट्स। पॉलिएस्टर का किस लिए यूज़ करते हैं, जिससे भी रोप्स बनती हैं, नेट्स, रेनकोट्स, जैकेट्स एक्सेट्रा। रेनकोट तो सब लोगों ने ही देखा होगा, तो जो आपका रेनकोट होता है वो किससे बना हुआ होता है, पॉलिएस्टर से बना हुआ होता है। रेयन इज मिक्स्ड विद कॉटन टू मेक द बेडशीट। रेयन को हम किसके साथ मिक्स करते हैं, कॉटन के साथ मिक्स करके क्या बनाते हैं, बेडशीट्स बनाते हैं। ओके, तो आपका चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट होता है बेटा, इसके बाद हम इसकी एक्सरसाइज कंटिन्यू करेंगे।